नमस्कार, आप देख रहे हैं SEO न्यूज। भारी कोरोना महामारी के बीच लालू के लाल और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना की कहर थमने लगी है। ये देखते हुए दिल्ली छोड़ बिहार लौट आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेकिन अब इनका विरोध होना शुरू हो गया है। विरोध होना भी जरूरी है ताकि विपक्ष के नेता होने के नाते जनता के बीच ना रहकर ट्यूट ट्यूट खेल रहे थे। आज तेजस्वी यादव अपने विधानसभा राघोपुर का दौरा पर थे, वहां पर आम लोगों ने काले झंडे दिखाकर पुरजोर विरोध किया। लोगों का इल्जाम था, जब हमारे विधायक हैं तो दुख के समय क्यों नहीं आए, आज इनको आकर क्या फायदा। जनता का भी आरोप सही है। अगर इसी तरह बिहार की हर विधानसभा की जनता जागरूक हो जाए तो AC के रूम में बैठकर ज्ञान देने वाले नेताओं का खटिया खड़ा हो सकती है। बता दूं, दिल्ली से आने के बाद इनका किसी विधानसभा में पहला दौरा था, लेकिन उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि हर जगह इनका विरोध हो सकता है, ताकि बिहार की जनता की मत सबसे ज़्यादा इन्हीं के पार्टी को मिला है। भले नंबर से पीछे हैं, लेकिन भाजपा जदयू से आगे हैं। वहीं सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर दिल्ली में आखिरी दर्शन इनको न करने को लेकर राजद के अल्पसंख्यक नेताओं में काफ़ी गुस्सा है। कई तो राजद के सदस्यता से इस्तीफा भी दे चुके हैं। वहीं तेजस्वी के विरोध में सिवान के कुछ इलाकों में पुतला भी बनाकर दहन किया गया था। आज के समय में भी राजद के सोशल साइट पर लगातार विरोध हो रहा है तेजस्वी यादव के रवैया को लेकर। अब देखना ये होगा, दिल्ली से बिहार तो आ गए हैं, लेकिन पटना से सिवान आने में कितना दिन लगता है, ताकि सिवान में राजद के अल्पसंख्यक वोट बैंक और जिलों से बेहतर है। इस बार के चुनाव में राजद के बिहार के और जिलों के तुलना किया जाए तो ज़्यादा MLA जीतकर यही सिवान जिला से पटना पहुँचे हुए थे।